ये हमारे पास ह्यूमरस है, ह्यूमरस के ऊपर हमारे पास दो एंड्स हो गए और एक शाफ्ट है, तो अपर एंड हो गया, ये लोअर एंड हो गया, ये शाफ्ट हो गया हमारे पास। अपर एंड के ऊपर हमारे पास सबसे पहले हेड है, हेड और अपर एंड के बीच में जो नेक है जिसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल नेक। उसके अलावा हमारे पास एक लेसर ट्यूबरकल है, एक ग्रेटर ट्यूबरकल है। जो अपर एंड और शाफ्ट को अलग करिए उसको हम कहते हैं सर्जिकल नेक। फिर हमारे पास ये शाफ्ट होगी पूरी और नीचे लोअर एंड की बात करते हैं। लोअर एंड पे हमारे पास ये हमारे पास ट्रॉकलिया है और ये हमारे पास कैप्सुला है। ये हमारे पास हो गया मीडियल एपिकुंडाइल, ये होगा लेटरल एपिकुंडाइल। ये मीडियल सुपराकुंडाइलर रिज, ये लेटरल सुपराकुंडाइलर रिज है। फिर पीछे आते हैं, पीछे हमारे पास ये है हमारे पास ओलिकुनॉन फोसा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर होता है अल्नर सर्कस, छोटा सा अल्नर सर्कस है। उसके बाद हमारे पास इसके जो है तीन बॉर्डर्स हैं और तीन सर्फेसिस हैं। जो हमारे पास तीन बॉर्डर हैं इसके, ये है मीडियल बॉर्डर, ये है एंटीरियर बॉर्डर और ये है लेटरल बॉर्डर। तीन सर्फेसिस है हमारे पास, एक है एंटीरियर मीडियल सर्फेस, एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में। फिर एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में हमारे पास एंटीरियर लेटरल सर्फेस, और पीछे हमारे पास जो सर्फेस बचती है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर सर्फेस, जो कि हमारे पास मीडियल और लेटरल के बीच में होगी। फिर हमारे पास है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, जो कि होती है हमारे पास एंटीरियर लेटरल साइड पे, एंटीरियर लेटरल साइड पे यहाँ पे ही होगी, इस बोन पे क्लियर नहीं है। फिर इसी डेल्टा ट्यूबरोसिटी के नीचे यहाँ पर कहीं होता है रेडियल ग्रूव, जिसमें से हमारे पास रेडियल नर्व और प्रोफंडा बेकाई आर्टरी गुजरती है, और डेल्टा ट्यूबरोसिटी के ऊपर डेल्टा ग्रूव लगता है हमारे पास। जो हमारे पास ऊपर ग्रेटर ट्यूबरकल है उसके ऊपर तीन मसल्स लगते हैं, सुपरस्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर। जो लेसर ट्यूबरकल है उसके ऊपर एक ही लगता है जिसे हम कहते हैं सबस्कैपुलरिस। जो हमारे पास बेसिकल ग्रूव है उसमें से गुजरेगा हमारे पास बाइसेप का टेंडन और तीन मसल्स अटैच होते हैं। एक होता है हमारे पास बीच में होगा लेटस मेजोसा है, मीडियल साइड पे होगा टीरीज मेजर और लेटर साइड पे होगा पेक मेजर और बस।